प्राणेश्वर श्री बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा जिनको आज माताओं का संगठन चाहिए, भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। माताओं के सर पर ही बाप ने ज्ञान का कलश रखा है, तो बाबा ने कहा मगर वो संगठन जो देही अभिमानी हो, आत्म अभिमानी हो, देही में रहते हुए विदेही अर्थात आत्म अभिमानी बने। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि शरीर से ही किस जन्म की कमाई करनी है, इसलिए शरीर को संभालना है। लेकिन इसमें जरा भी रंग अर्थात अटैचमेंट ना जाए। फिर बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आए। मेरा तो एक ही बाबा, दूसरा ना कोई। ये अभ्यास दिन रात करना है, अंत में बाबा ही याद आएगा, जिसके लिए कहा जाता है अंत मति सो गति। तो गति सदगति के लिए केवल बाबा को याद करना है। 6 तारीख के बाबा के साकार उत्थान महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, पुरानी दुनिया, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा दे। क्वेश्चन है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? आंसर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन मन पाप दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्टो मोहग्रुहो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रंग नहीं होनी चाहिए, मोह की रंग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आया है। यह बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में हैं, रावण राज्य के बंधन में हैं। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, आत्मा को जिस बाप को आधा कल याद किया करते थे वह बाप मिला है। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं, तुम भी सिमरन करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो, खुशी से याद करते हैं, और जितना याद करते उतना खुशी बढ़ती जाती है। दुखी होकर के सिमरन नहीं करते। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया हुआ है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब बैठते हो, हाँ कैसे बैठना चाहिए, यहाँ जब बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कर्म कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सत्युग होना है,
तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो जानते हो, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल पे पहले माफिक, यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पति से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से अज्ञान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाले हैं। बाबा भी दूर देश से आया है परम धाम से, हम आत्मा भी परम धाम की रहने वाले हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो तो किस लिए सुन रहे हो? अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, यह है ही पतित दुनिया। एक भी पावन नहीं, जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं सारी डिनेस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शुक्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़े में बने हैं। यह आधा कल्प का भविष्य है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा देना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना मंडल है। जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा और उसको याद ना करें तो बाबा को ये वंडर लगता है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं,
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि को तो रात प्रतिदिन चिंता लगी रहती है, लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए, कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है, झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेने, बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो, बाहर बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी भी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे, हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह नशा तो रहना चाहिए, हम रचयिता बाप और रचना के चक्कर को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र, काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। तो मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है ना, कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्टो मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे, यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल तो रखनी है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चट्टी लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद ना आने चाहिए। मैं देही नहीं आत्मा हूँ, बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं, चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए जितना हो सके बाप को और
वर्षे को याद करते रहो, चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आए हुए हैं ब्रह्मा तल में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोतरे को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर देते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है, बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। तो बच्चों का काम है, क्या है बच्चों का काम? पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं लक्ष्मी नारायण बनने, ये सत्य नारायण की कथा है ना, कोई को पता ही नहीं है यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हजीरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे, कृष्ण ही कृष्ण, शिव ही शिव हैं। यह गुड़ गुड़धानी करती है, ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं, ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है, आदि आदि बिल्कुल समझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया, सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ है ही स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही यह पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। हर साल आनंद सुमारी गति को पाती रहती है ना, हर साल आदम शुमारी का हिसाब निकालते हैं ना, कितने जास्ती मनुष्य हुए हैं। यह नहीं बताते कि कितने मरे, इतने मरे तो बढ़े, बढ़ते भी जाते हैं, मरते भी जाते हैं। तो बच्चों को पहले तो क्या करना है, पहले तो अपना कल्याण करना है। और कल्याण किस बात में है? मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो, बाबा को याद करना है, अंत काल जो नारायण सिमरे आदि आदि। अब नारायण सिमरे ये अक्षर छूटे लिखे हैं, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे जो सुस्वर्ग का मालिक बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, नारायण को क्यों सिमरे, कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं है, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। भला राधे की जयंती कहाँ है? कृष्ण का जन्म मनाते नारायण का कहाँ है? तो वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कौन छावली तो होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, ब्रह्मा के मुख कौन शावली थे ना। तो बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने
ब्रह्मा द्वारा रचा, यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, शरीर की संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी का भी चिंतन नहीं रहना है, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप धारी भाव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अब दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आया हाथ पकड़ा, अनुभव करते जाएंगे बाप दादा सामने आया और हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। तो मुरली में बाबा ने कहा, भक्ति में कहते हैं जिधर देखता हूँ तो ही तो राधे के भक्त होंगे राधे नजर आएगी, कृष्ण के भक्त होंगे कृष्ण नजर आएगा। तो यहाँ अगर बुद्धि में एक बाबा ही रहेगा, उसके सिवाय और किसी की याद नहीं, तो बाबा को हम इन आँखों से देखेंगे कि बाबा हमारे आसपास है। गीत भी है ना वो, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, पर आते नहीं नजर, यहाँ बाबा नजर आएगा। तो बाप दादा आंखों से हट ही नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी है। आज की तपस्या की पॉइंट है, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, वो एक संकल्प है बाप और मैं, ये देह भी बीच में ना आए। जब एक ही संकल्प रहता है बाप और मैं, इसी को पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन के अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। ये तपस्या आज सारा दिन करनी है, मेरा तो एक ही पावर दूसरा ना कोई, यही पावरफुल योग है और यही ज्वालामुखी योग है। बड़े दीदी जी की पॉइंट है आज की, विशेषता परखने और निर्णय शक्ति में नंबर वन, दूर से ही किसी भी बहन को भाई को दीदी जी परख लेते थे और निर्णय दे देते थे, वो कोई भी बात पूछते थे उनको फटाक से निर्णय देते थे। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आई उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी की बात करने का टैक्ट ऐसा था जो वो बच्चा बाबा का बन जाए, इस तरीके से दीदी जी बात करते थे
जो बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते थे। ये सबरवाल भाई हमारे और लालचंद वत्स जी थे और आर डी गुप्ता जी थे, सब 73 में रामलीला मैदान में मेले से निकले और पहली बार योग शिविर करने के लिए गए और दीदी जी से मिले और आकर के रेगुलर स्टूडेंट बन गए। और लालचंद वत्स सबरवाल जी और तीसरे भाई जो लालचंद वत्स तो ऐसे रेगुलर स्टूडेंट के घर में उनके दामाद ने शरीर छोड़ा हुआ था, सुबह सुबह फिर भी पांडव भवन में क्लास करने के लिए गए। तो ऐसे दीदी जी की नज़र जिस भी स्टूडेंट पर पड़ती थी ऐसे नज़र से निहाल हो जाता, जो कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ता और बाबा का रेगुलर स्टूडेंट बन जाता। तो हमें भी ऐसी ही प्रेरणा लेनी है, नंबर वन स्टूडेंट बन जाएं। ब्रह्मा बाबा भी नंबर वन गए, हम भी बाप समान बड़ी दीदियों के समान ऐसे बने।